बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर करा था। और मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं कि मैंने पिछली वाली क्लास में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और आपको वो मुझे अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी और ना मुझे अभी तक कमेंट करके बताया, तो प्लीज़ उस वीडियो में जाइए और वो क्वेश्चन देखिए और मुझे कमेंट करके सही आंसर बताइए। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 11 करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में जो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और जो हमारा 9th और 10th क्वेश्चन है वो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें समझाने वाला कुछ नहीं है, वो बस आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, वो आपके स्कूल में कराया जाएगा वो प्रैक्टिकल। सो आज मैं आपको 7th और 11th क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। 8th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इन दोनों के अकॉर्डिंगली। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, पहले 7th क्वेश्चन है, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। मतलब हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने गिवन हैं, 200, ठीक है। स्टूडेंट वॉज कंडक्टेड, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हमारा जो हमारे प्लेइंग के गेम्स होते हैं, तो उनमें पूछा है कि स्कूल ने एक ऐसे इंफॉर्मेशन निकाली कि कितने स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स पसंद है और कितनों को नहीं है। तो लाइक मतलब 135 स्टूडेंट्स को पसंद है और 65 स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन दोनों की। फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ओके, सो हमारा फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी लाइक स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, जो नंबर ऑफ हमारा पॉसिबल आउटकम कितना है 135 और टोटल कितना है हमारा 2000। सो अगर आप इसको कट करेंगे, सो आप देखो 5 और 0 आ रहा है एंड में, तो मतलब ये 5 की टेबल पे आते होंगे, इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 27/40। तो हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 27/40, बहुत ही सिंपल सा था। अब सेकंड है प्रोबेबिलिटी डोंट लाइक स्टूडेंट्स, डोंट लाइक स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स या सिंपली आप लिख दो डिसलाइक। तो डिसलाइक कितने हैं हमारे 65 और टोटल है हमारा 2000। अब इसमें भी 5 और एंड में आ रहा है 5 और 0, तो मतलब 5 की टेबल पे कट होंगे, इनको हम कट करेंगे तो हमारा आएगा 13/40। सो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 13/40। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इस चैप्टर में मेन क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और फिर आपको टोटल नंबर फाइंड करने हैं, और फिर जो हमें डाटा टेबल दिया उसको ढंग से इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट करना है, ताकि आप आंसर देते हुए कुछ गलती ना करो। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा है। 11 बैग्स ऑफ वीट, मतलब हमारे टोटल बैग्स कितने हैं। मैंने बोला टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में टोटल लिख दो, टोटल बैग्स है हमारे इसमें 11। So, 11 bags of wheat flour, मतलब जो हमारा आटा होता है, wheat flour each mark 5 kg, सब में marked है 5 kg, actually contain the following weights of the, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारे 11 bags हैं। तो एक बैग में इतना आटा है, एक बैग में इतना फ्लोर है, एक बैग में इतना है, ये हमें गिवन है कि हर बैग में कितना फ्लोर है। फ्लोर हम किसको बोलते हैं, आटे को, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडमली कंटेन मोर देन,
अब इसमें हमें बोला है कि हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी। हमने बैग को किसी भी समझ लो, मैंने इस वाले बैग को रैंडमली उठा लिया, किसी भी रैंडमली बैग को चुन लिया। अब हमें इसमें बोला है कि बताओ कि कितने बैग ऐसे हैं कि जिनमें 5 से ज्यादा फ्लोर है। अब देखो हम पहले मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 5 से ज्यादा है, 5.5 है तो हमारा 5 से ज्यादा हुआ, ये हमारा 5 से ज्यादा हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 से ज्यादा बोला है तो ये 5.0, 5.3, 5.6, 5.8, 5.4 एंड 5.7। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो ये 7 बैग्स ऐसे हैं कि जिनमें हमारा 5 किलो से ज्यादा आटा निकलेगा। सो हमारे प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है मोर देन, यहाँ पे लिखते हैं हम मोर देन 5 kg। फॉर्मूला ये रहा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7। और टोटल बैग्स हमारे कितने हैं, 11। अब ये कट हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, 7 और 11 तो एक टेबल में आते ही नहीं किसी की भी, तो ये हमारा कट नहीं हो रहा, तो हम ये प्रोबेबिलिटी को यहीं पे लीव कर देंगे और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये तो बस इतना सा क्वेश्चन था, तो आप बोल रहे होगे ना कितना इजी चैप्टर है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 11 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस को क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर तक अभी तक आपने मेरी वीडियो शेयर नहीं करी अपने फ्रेंड्स के साथ तो प्लीज जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।